So, ये ADLF मॉल ऑफ इंडिया जो कि नोएडा में, और आज हम लोग जाने वाले इसी मॉल के इसी लाइफस्टाइल स्टोर में जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनकी स्वेटशर्ट काफी सही लग रही है। So, सबसे पहले जाएंगे लाइफस्टाइल। So, hello everyone, welcome back to the another video. I am Arsha and you guys are watching Arsha's Game Vlogs. So, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग जाने वाले लाइफस्टाइल स्टोर में, और जहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग आउटफिट्स मिलते हैं। इतनी सस्ती कैप की बस अभी ले लो। अब ऑलमोस्ट मैंने सभी मार्केट और सभी फैशन स्टोर की वीडियो बनाई दी है, तो मेरे को लगता है कि काफी कुछ यूनिक ट्राई करना चाहिए, तो इसलिए आज हम लोग आ चुके हैं लाइफस्टाइल स्टोर में। एंड लिटरली अगर बताऊँ तो यहाँ के आउटफिट्स काफी ज्यादा अमेजिंग है यार। जीन्स की कलेक्शन इन पे काफी अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल में यार, यहाँ पे कच्चे भी है बड़े महंगे महंगे। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही, जैसा कि मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्विकली, फटाफट से कर दो और चलते हैं साथ में लाइफस्टाइल स्टोर में। ये DLF मॉल ऑफ इंडिया काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब लिटरली सभी स्टोर है यहाँ पे। एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक भी फैशन स्टोर भाई कोई भी छोड़ा हुआ है, मतलब लिटरली सभी यहाँ पे स्टोर है। सो सबसे पहले जाएंगे लाइफस्टाइल, फिर जाएंगे वेस्ट साइड, मतलब दोनों स्टोर एक्सप्लोर करेंगे और लाइफस्टाइल जाएंगे। अब स्टोर में एंट्री करते ही मुझे काफी यूनिक और काफी ट्रेंडिंग चीजें तो देखने को मिली है, लेकिन साथ ही के साथ यहाँ पे मुझे और ट्रेंडिंग स्लिम फिट जीन्स भी देखने को मिली है, जो कि मुझे लगता है कि भाई हर एक लड़का और हर एक लड़की स्लिम फिट जीन्स तो भाई इस समर सीजन में ट्राई जरूर कर रहे हैं, तो आप लोग भी ट्राई करना। बाकी यहाँ पे मुझे कलर ऑप्शन भी काफी ज्यादा अच्छे लगे यार। लाइफस्टाइल स्टोर में आधी से ज्यादा चीजें मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी सेल में देखने को मिली, जो कि 50% ऑफ में मिल रहा है। अब यहीं पे मुझे स्वेटशर्ट देखने को मिली जो कि काफी प्रिंटेड है और काफी मतलब यूनिक सी लग रही है, तो इसको ट्राई करते हैं। प्रिंटी स्वेटशर्ट काफी सही लग रही है। और इसी स्टोर पे मुझे यहाँ पे वर्सिटी जैकेट देखने को मिली जो कि काफी एवरेज लग रही थी, तो मुझे लगता है कि भाई 50% ऑफ तो सही रखा गया। यार फर्स्ट टाइम में लाइफस्टाइल में है और यहाँ पे ना काफी अच्छी सेल चल रही है, मतलब बाय टू 50% ऑफ, मतलब काफी अच्छी अच्छी सेल चल रही है यहाँ पे। इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक हाफ स्लीव वाली हुडी देखने को मिली जो कि काफी एवरेज लग रही थी प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इसके प्राइस थे 1500 रुपए, तो मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपए में ये हाफ स्लीव वाली हुडी लेना वर्थ इट रहेगा। लेकिन हाँ, इसी के पीछे मुझे एक शर्ट दिखी जो कि काफी प्रीमियम लग रही है, और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो प्राइस इसके है भाई 1900 रुपीज, जो कि मुझे लगता है कि वर्थ इट है, क्योंकि भाई काफी प्रीमियम लग रही है। एंड मुझे नहीं पता समर सीजन में इन्होंने विंटर के लिए हुडी क्यों रख रखी है। अभी तो मुझे कुछ ये दो चीजें पसंद आई, एंड इसको भी एक शर्ट पसंद आई है, ये स्वेटशर्ट और ये शर्ट। जो आउटफिट्स पहनता हूँ भाई, मुझको उसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ओवरसाइज टी शर्ट है। अब यहीं पे मुझे मेरी फेवरेट दिख गई ओवरसाइज टी शर्ट है, जो कि काफी अच्छे कलर में, मतलब काफी यूनिक कलर है, मतलब ज्यादातर ये कलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नॉर्मली आपको ब्लैक, क्रीम या व्हाइट या पर्पल कलर देखने को मिलता है, बट ये कलर काफी यूनिक लग रहे हैं। एंड मेरे को तो ये दोनों में से येलो वाली टी शर्ट काफी सही लगी, तो इसको भी ट्राई करके देखते कि ये वर्थ इट है भी कि नहीं है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इसका फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब अगर मैं बताऊं कि लाइफस्टाइल स्टोर से यहाँ पे हम ओवरसाइज टी शर्ट लेते हैं, तो भाई मेरे को लगता है कि काफी अच्छा फैब्रिक ये लोग दे रहे हैं, तो भाई मतलब सही है। अब टी शर्टों के साथ ही यहाँ पे मुझे कुछ पोलो टी शर्ट और कुछ नॉर्मली टी शर्ट देखने को मिली, जो कि सेल भी चल रही है। लेकिन यार सेल में ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना भाई, ये इतने ज्यादा पुराने हो रखे हैं, जैसे कि अभी तुमने निकाल के इधर टांग दिया। चेक शर्ट मुझे दिखी है और जिसके प्राइस है 3300 रुपीज, एंड इस पे 50% ऑफ है, और 50% ऑफ के बाद भी ये शर्ट काफी प्रीमियम भाई प्राइस में मिलेगी। और ऐसी सेम शर्ट मैंने सरोजनी में 250 की देखी, और भाई सही में सेम क्वालिटी की शर्ट कौन लेगा इतनी महंगी। अब विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, कार्गो पैंट का ट्रेंड मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होने वाला है, तो यहीं पे मुझे लाइफस्टाइल स्टोर में भी यहाँ पे कार्गो पैंट देखने को मिली। लेकिन भाई कलर की बात करूँ तो कलर इतने कुछ खास लग नहीं रहे मुझे यहाँ के। अब ये यहाँ की नेवी ब्लू कलर की कार्गो पैंट जो की काफी एवरेज है, मतलब सेम क्वालिटी की कार्गो पैंट आपको H&M स्टोर, ज़ारा स्टोर, जो कि जितने भी स्टोर है सभी में आपको अवेलेबल हो जाएगी, और यहाँ तक कि मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी, वो भी काफी कम प्राइस में 350 की, और यहाँ पे इन कार्गो पैंट के प्राइस है 2000 से ऊपर। तो मेरे को तो ये कार्गो पैंट पसंद ही नहीं आई है, आपको कैसी लग रही है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जो मेरे शुरू से सब्सक्राइबर है उनको पता होगा कि भाई मैं जब भी किसी भी स्टोर में जाता हूँ, मैं सबसे पहले डेनिम जैकेट जरूर देखता हूँ। सो फाइनली मुझे यहाँ पे डेनिम जैकेट दिख गई, वो भी मेरा काफी फेवरेट कलर ब्लैक कलर, तो इसको भी हम लोग ट्राई करने वाले और ट्राई करके देखने वाले कि ये वर्थ इट है भी कि नहीं है।
रिसेंटली मैं गया था सरोजिनी नगर मार्केट और वहाँ पे मैंने ये वाली पैंट देखी थी जिसके प्राइस थे 500 रुपीज और यहीं पे ये जीन्स मिल रही है 2000 से ऊपर की। और अगर दोनों की क्वालिटी की बात करूँ तो भाई मेरे को लगता है कि दोनों की क्वालिटी काफी सेम है, बस फर्क इतना है कि वो जीन्स आपको मार्केट में मिल रही है और ये जीन्स आपको ब्रांड में मिल रही है, क्योंकि भाई एसी का पैसा भी वसूल तो करना ही है, तो इसलिए काफी ज्यादा पैसा अगर आप पे आ रहा है तो आप यहाँ से आके ये वाली जीन्स जरूर ले सकते हो। यार जीन्स की कलेक्शन इन पे काफी अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल में, मुझे तो ये वाली जीन्स काफी सही लगी है ब्राउन कलर की। अब जो लोग एनिमी लवर है भाई उनके लिए तो ये स्टोर काफी ज्यादा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा टी शर्टों का कलेक्शन है जिसमें ऑलमोस्ट सभी एनिमी अवेलेबल है। अब यहीं पे मुझे काफी अच्छी एनिमी की एक कैप दिखी है जिसके प्राइस है 1200 रुपीज, जो की मुझे लगता है की काफी ज्यादा हाई प्राइस है, लेकिन सस्ती कैप की बस अभी ले लो। अब जरूरी नहीं यहाँ पे सिर्फ आपको एनिमी की टी शर्ट मिल रही है, यहाँ पे लोअर्स भी अवेलेबल है जो की काफी प्रीमियम भी लग रहे हैं, और अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस सुन के तो भाई ये काफी प्रीमियम लगेंगे, क्योंकि इनके प्राइस है 2000 रुपीज। यार यहाँ पे कच्चे भी है, बड़े महंगे महंगे कच्चे, प्रीमियम कच्चे हैं तो संभल के लेना। अब स्टोर के लास्ट में मुझे यहाँ पे चीनोस का कलेक्शन देखने को मिला है, अगर इसके प्राइस के बारे में बताऊं तो इसके प्राइस है 1300, लेकिन यार इसके प्राइस इतने ज्यादा हाई है कि इनको देखने का ही मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सेम क्वालिटी की आपको ये वाली चीनोस जूडियो में अवेलेबल हो जाएगी और वो भी काफी कम प्राइस में, मतलब ऑलमोस्ट 700 रुपीज में। लेकिन अगर लाइफस्टाइल और जूडियो में कंपेयर करूं तो लाइफस्टाइल में काफी कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जितने की जूडियो में नहीं देखने को मिलेंगे, बट भैया ने ये बोल के दिमाग खराब कर दिया कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए निकल जाओ फटाफट से वरना हम तुम्हें धक्के मार के ना निकाले। अब चीनोस के बाद यहाँ पे मुझे कुछ शॉर्ट्स भी देखने को मिले, लेकिन यार अगर मैं इन शॉर्ट्स के फैब्रिक के बारे में बात करूँ ना, तो इससे अच्छा फैब्रिक और सेम प्राइस में ना आपको H&M स्टोर में मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता अगर आप लाइफस्टाइल स्टोर में ये शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए आ रहे हो, लेने के लिए आ रहे हो, तो भाई आप आओ अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट्स आपको H&M स्टोर या ज़ारा स्टोर में मिल जाएंगे। शॉर्ट्स के प्राइस तो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब ऐसी क्वालिटी में इतने हाई प्राइस में ऐसे शॉर्ट मिलेगी तो मैं तो नहीं लूंगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं कुछ चार चीजें ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले ये डेनिम जैकेट है, एंड एक ये शर्ट है, और ये स्वेट शर्ट है, और एक ये टी शर्ट है। टी शर्ट मेरे को काफी इनकी प्रीमियम सी लगी, जो कि अभी मैं ट्राई करके दिखाऊंगा, एंड स्वेट शर्ट भी मेरे को प्रिंट काफी ज्यादा सही लगा, तो अभी ये चार चीजें ट्राई करते हैं। बाकी ये लाइफस्टाइल मेरे को काफी अमेजिंग लगा, लेकिन कुछ चीजों में मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले ये चारों चीजें को ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ ये प्रिंटेड स्वेटशर्ट, जो कि काफी ज्यादा टाइट आ चुकी है यार। बाय द वे मैं बता दूं कि ये है एक्सेल साइज और मुझे आता है एल साइज, फिर भी मैंने अपने से एक साइज बड़ी की स्वेटशर्ट ली है, लेकिन यार ये भी छोटी आ रही है, तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल वाले कुछ सेल की जो चीजें ला रहे हैं इसमें कुछ गोलमाल कर रहे हैं, तो मैं तो आपको वार्न करूंगा कि ये सेल की चीजों से बच के ही रहना लाइफस्टाइल स्टोर में, क्योंकि सेल के बाद भी ये स्वेट शर्ट मिल रही है 2000 रुपीज की। वैसे यार कमेंट सेक्शन में आप लोग छपरी मत लिखना, क्योंकि भाई ये पहनने के बाद मुझे खुद पे शर्म आ रही है। अब स्वेट शर्ट से शर्म खत्म करते हैं, और इसके बाद में ये ट्राई कर रहा हूँ काफी प्रीमियम शर्ट, और अगर इसकी क्वालिटी और फैब्रिक के बारे में बात करूं तो मुझे तो काफी ज्यादा बेस्ट लगी। और मैं इस शर्ट को वेयर कर रहा हूँ ब्लैक जींस के ऊपर और एडिडास कैंपस 00S शूज के ऊपर, जिसके लुक्स मुझे तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये जो मैं जींस ट्राई कर रहा हूँ ये है स्ट्रेट फिट जींस, जो भाई मैं ये घर से ही पहन के आया था, इसलिए लाइफस्टाइल वालों को भाई कुछ भी रिव्यू मत देना, क्योंकि ये मेरी जींस है। वैसे लाइफस्टाइल स्टोर की ट्रायल लुक में इतनी लाइट कम है कि भाई अच्छी खासी शक्ल बहुत बुरी सी आ रही है। स्वेट शर्ट और ये अच्छी खासी प्रीमियम शर्ट ट्राई करने के बाद मैं यहाँ की ट्राई कर रहा हूँ ओवरसाइज टी शर्ट, जिसका फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा है यार। लेकिन मुझे इस टी शर्ट की सबसे अच्छी खासी बात ये लगी कि यहाँ पे कलर ऑप्शन जो है ना वो काफी यूनिक है, और ज्यादातर ये कलर किसी भी स्टोर में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन लाइफस्टाइल स्टोर में मुझे ये कलर यार काफी अच्छे लगे। अब ओवरऑल अगर बात करूं तो ये ब्लैक जींस पे काफी अच्छा खासा आउटफिट लग रहा है मेरे को। अब मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको नॉर्मली टी शर्ट चाहिए, मतलब रेगुलर फिट वाली टी शर्ट चाहिए, तो लाइफस्टाइल स्टोर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे खासे प्राइस में ओवरसाइज टी शर्ट चाहिए, तो मेरे को लगता है कि आपको इस स्टोर में जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा स्टोर और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब लास्ट जो वेयर कर रहा हूं मैं ये है डेनिम जैकेट, और मैं इसको वेयर कर रहा हूं इसी ओवरसाइज टी शर्ट के ऊपर, जिसका लुक्स मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं है, क्योंकि इस पे काफी प्रिंट से बने हुए हैं, मतलब टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जिससे इस डेनिम जैकेट का लुक्स और इसका स्टाइल बहुत ज्यादा एवरेज हो रहा है। लाइफस्टाइल से बाहर आने के बाद यहाँ पे और भी स्टोर है, मैं सोच रहा हूँ विजिट करूँ, बट पहले कुछ भूख लग रही है, कुछ खा पी के आते हैं। एंड यहाँ पे ना हैमलेस भी है, मतलब काफी टॉयज वगैरह मिलते हैं, मेरे को तो काफी सही लगते हैं। यार यहाँ पे काफी एनिमीज भी है और तलवार भी है, यार यहाँ पे भी काफी एनिमीज है, काफी बढ़िया भी लग रहे हैं।